वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो डियर स्टूडेंट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आज की क्लासेस में हम मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एक और मेथड पे आ गए हैं, जिसको हम पॉइंट मेथड कहते हैं, पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व बोलते हैं, तो ज्योमेट्री मेथड भी हम बोलेंगे. तो सबसे पहले बच्चे देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है ईडी कैलकुलेट करने का. यहाँ पर अगर आपको ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. इसको डायग्राम के थ्रू आप समझेंगे, इसको हम ज्योमेट्री मेथड भी कहते हैं. उसका डेरिवेशन नहीं आता आपके एग्जाम में, से डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है आपको करने की. ये देखें, एक डिमांड कर्व बना लें आप वाई एक्सिस से टच करते हुए एक्स एक्सिस तक. ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस डिमांड कर्व. ठीक है बच्चे, डीडी. अब इस पर कुछ पॉइंट के नाम लिख देते हैं हम, लाइक जैसे कि यहां पे पॉइंट के नाम है हमारे ए बी, बिल्कुल मिड में है सी, डी एंड ई. ये कुछ पॉइंट्स हैं, ए बी मिड में है आपके सी डी एंड ई. क्लियर है बच्चे? तो आप ईडी कैलकुलेट कर रहे हैं हर पॉइंट पे, डिमांड करके पॉइंट पे. तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं आपको. तो आपके पास पे देखेंगे ईडी एट द पॉइंट ऑफ फर्स्ट, ईडी एट द पॉइंट ऑफ, ईडी एट द पॉइंट ऑफ ए, ए पे ईडी कैलकुलेट कर रहे हैं हम. तो क्या होगा इसका ईडी का फॉर्मूला? लोअर सेगमेंट, तो ए से लोअर सेगमेंट क्या है? सारा नीचे का हिस्सा, तो ए ई अपॉन अपर सेगमेंट. ए ई तक आपको लोअर सेगमेंट है ना, ए से अपर सेगमेंट क्या है? अपर सेगमेंट कुछ है ही नहीं आपका, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, डिमांड कर्व जीरो. तो ये आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी. इसका मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटी क्या हुआ? इसको हम बोलते हैं क्या? परफेक्ट इलास्टिसिटी. ठीक है बच्चे, समझ में आया? एंड सेकेंड, ईडी एट द पॉइंट ऑफ, ईडी एट द पॉइंट ऑफ बी सॉल्व करेंगे आप, ईडी इक्वल्स टू बी पॉइंट पर अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो ED एट द पॉइंट ऑफ B, B पॉइंट पे, तो अपर सेगमेंट क्या हुआ आपका? B से ऊपर ए बी तक अपर सेगमेंट है, सॉरी लोअर सेगमेंट. बी ई और अपर सेगमेंट क्या है आपका? ए बी. तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या कि आपके पास में बी ई इज ग्रेटर देन ए बी, डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? ED इज मोर देन ग्रेटर देन वन. क्यों आएगा पता लगा? न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, आंसर मोर देन वन आता है. और इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इलास्टिक. अब आप देखेंगे थर्ड पॉइंट, ईडी एट द पॉइंट ऑफ, ईडी at the point of, at the point of C, तो आपके पास में ED के लिए lower segment क्या है? C में CE upon AC, और आपको ये भी पता है कि CE और AC क्योंकि mid point पे equal है, तो आप जब numerator and denominator equal होता है तो answer one आता है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? unit इलास्टिक.
क्लियर है बच्चे? फोर्थ, ईडी एट द पॉइंट ऑफ डी, तो लोअर सेगमेंट क्या है आपका? ईडी इक्वल्स टू डी ई, एंड अपर सेगमेंट क्या है? ए डी, तो आपको पता है डी ई इज लेस देन ए डी, देख रहे हो, लोअर सेगमेंट छोटा है, अपर सेगमेंट बड़ा है आपका, लोअर सेगमेंट आपका नीचे तक का हिस्सा, अपर सेगमेंट ऊपर तक का हिस्सा। तो यहां पर आपके पास में अगर आपका नोमिनेटर ही छोटा डिनोमिनेटर से, तो आपके पास में रिजल्ट लेस देन वन आता है ना, आपका जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आपका क्या हुआ? इन इलास्टिक। क्लियर है बच्चे? एंड लास्ट वन, फिफ्थ, ईडी एट द पॉइंट ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ ई, तो ईडी इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट जीरो, अपर सेगमेंट आपका ए ई, एंड ईडी इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या होता है? परफेक्ट, परफेक्ट इनइलास्टिक। तो बच्चे इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट मेथड या ज्योमेट्री मेथड। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? डिमांड करके आप डिफरेंट पॉइंट पर आप अपने ईडी को रिफ्लेक्ट करें, तो इस तरीके से आप अपने डिमांड के डिफरेंट पॉइंट्स पे डिमांड करके अपने ईडी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा, तो सारे मेथड आपका एक्सप्लेन करने होंगे। अब बच्चे मैं आ रहे हैं, एक्सप्लेन द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ इज द इलास्टिसिटी मेजर एट द पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व। क्लियर है बच्चे? तो डिमांड कर्व के आ रहे हैं, तो बता दिया मैंने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? कि आपका डिमांड एक कमोडिटी का और आपको प्राइस, ठीक है, ये क्वेश्चन लेते हैं पहले। देखो बच्चे, क्रॉस इलास्टिसिटी समझते हैं पहले। क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस का मतलब आप समझ गए बच्चे, क्रॉस का मतलब हो गया डिमांड एक कम्युनिटी की रहेगी तो प्राइस दूसरे की रहेगी, ठीक है। लाइक दो गुड्स है, एक कम्युनिटी हमारे पास में क्या है, एक्स, और एक कम्युनिटी हमारे पास में क्या है, वाई। क्लियर है बच्चे? दो कम्युनिटी हमारे पास में। अब एक्स एंड वाई में हमारे पास में क्या है? प्राइस। मैं इसकी डिमांड की बात करता हूं, ठीक है ना, डिमांड बोल दीजिए, या इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं, क्लियर है? तो क्यू क्वांटिटी किसकी? एक्स की, और हम इसके प्राइस की बात करते हैं। अब आपको इस बात को पता है कि किसी और कम्युनिटी का प्राइस क्या आपके अपने कम्युनिटी को, डिमांड को अफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो क्योंकि आपके जो कम्युनिटी है ना बच्चे, बेसिकली क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, थोड़ा समझ लीजिए इस चीज़ के बारे में। एक रिलेटेड गुड्स कहते हैं इसको, रिलेटेड गुड्स, ये दो टाइप की होती हैं। ऑलरेडी आप डिमांड चैप्टर पढ़ के आए हो, एक आपको पता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक आपका होता है बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दो टाइप की होती हैं। पहले मैं बात कर रहा हूं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्लियर है? लाइक मेरे पास में टी है और एक कॉफी है, इसमें से एक को आप ओरिजिनल गुड्स का नाम दे दो जिसकी आप डिमांड की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल गुड्स लाइक टी, और एक मेरे पास में कॉफी भी है,
जिसको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहेंगे, सब्स्टिट्यूट जिसको हम, आप क्या कहेंगे बच्चे इसको, हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहेंगे, क्योंकि देखेंगे बच्चे बेसिकली कोई टैग नहीं लगा हुआ कि ये आपका ओरिजिनल गुड्स है और ये सब्स्टिट्यूट है, जिसका आप जनरली यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे वो आपका ओरिजिनल गुड्स है आपके लिए, और जब वो अवेलेबल नहीं है तो उसके जगह पर आप किसी और से अपना काम चला लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। लाइक आप टी के कंज्यूमर हैं तो टी आपका ओरिजिनल हो गया, और अगर कभी कभी टी नहीं मिले तो उसकी जगह कॉफ़ी से काम चलाते हैं आप, तो ये आपके लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया। क्लियर है? अब आप यहाँ देखेंगे तो आप ओरिजिनल गुड्स की हमेशा डिमांड पे फोकस करिए, डिमांड बोल दीजिए या फिर आप क्वांटिटी बोल दीजिए, ओरिजिनल गुड्स, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर गुड्स एक्स कह देता हूँ, ठीक है, और ये इसके रिलेटेड गुड्स है, इसको मैं गुड्स वाई कह सकता हूँ, और हमेशा आप जो है रिलेटेड गुड्स है उसके प्राइस पे डिस्कशन कीजिए। तो आप देखेंगे जनरली क्या होगा कि अगर रिलेटेड गुड्स लाइक सब्स्टिट्यूट का प्राइस अगर राइज हो गया तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के कंज्यूमर के लिए कंपेटेबली टी चीपर लगेगी और वो टी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, टी की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, और टी के नंबर ऑफ कंज्यूमर राइज होंगे और टी की डिमांड भी राइज होगी। क्लियर है? सिमिलरली अगर आप सब्स्टिट्यूट का प्राइस अगर फॉल होगा तो आपका ओरिजिनल गुड्स कंपेटेबली एक्सपेंसिव लगने लगेगा और इसके जो कस्टमर वहाँ पे आपके ट्रांसफर होंगे इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नोट बना के आप ये समझ लीजिए इसमें कि देर आर पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स। बस इस रिलेशन को समझिएगा तो ही आप आगे काम कर पाएंगे। अब रिलेटेड गुड्स में बच्चे एक और गुड्स मैंने आपको बताया कि एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे एग्जांपल लेते हैं, एक ओरिजिनल गुड्स हो गया, और एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। ओरिजिनल गुड्स में अगर आप देखते हैं बच्चे तो आपके पास में क्या आ गया, कार, और कॉम्प्लीमेंट्री में आपका आ गया बच्चे पेट्रोल। कॉम्प्लीमेंट्री पता है आपको क्या होता है, जिसके हम एक साथ पेयर को यूज करते हैं, अगर एक का यूज नहीं करें दूसरा यूजलेस हो जाता है, जैसे थ्रेड और निडल, सुई और धागे में से अगर आपका धागा नहीं है तो सुई यूजलेस हो गया, अगर सुई नहीं है तो आपका धागा यूजलेस है, दोनों को एक साथ ही यूज में लेकर आते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो यहाँ पर आप अगर आपका ओरिजिनल गुड्स अगर आप इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं, जिसको आप एक्स नाम दीजिए ओरिजिनल गुड्स को, जिसकी डिमांड पे फोकस कर रहे हैं और जिसकी प्राइस में चेंज आ रहा है उसको आप वाई का नाम देंगे, इसका प्राइस लीजिए। तो जनरली आपका देखोगे पेट्रोल अगर एक्सपेंसिव हो जाएगा तो इसकी डिमांड कम होगा, पेट्रोल अगर सस्ता हो जाएगा तो लोग कार ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो आप नोट में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड
डिमांड फॉर ओरिजिनल गुड्स। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? तो बस इतना कुछ बताने का एक ही पर्पज़ था कि ईडी जब पॉजिटिव आ रहा है तो भैया सब्सिट्यूट है गुड्स। अगर ईडी आपका नेगेटिव आया तो नेगेटिव रिलेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब कि दोनों कॉमोडिटी एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। इतने से बात को आप अपने पास में ध्यान समझ लीजिएगा। मैं लिख भी देता हूँ भैया, जब आपका ईडी नेगेटिव हो, इसको आप क्या कह सकते हो, नेगेटिव को लेस देन जीरो, तो इस सिचुएशन में क्या है आपका नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है डिमांड एंड प्राइस के बीच में, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। में डिटेल में जानकारी लेना था ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ये यूट्यूब के शॉर्ट्स बनाने के चक्कर में हो हल्ला कर करके चले जाओ, दो दस सेकंड, बीस सेकंड में, पाँच मिनट, सात मिनट में, तो उससे तो आपका सिलेबस भी कवर नहीं होता और उससे आपका एग्जाम में क्या लिखना है आपको वो भी समझ में नहीं आता है। तो ये हो हल्ला की दुनिया है, हो हल्ले पे भाग रही है, लेकिन उसके लिए आपके सिलेबस से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि भैया हम जो है यूट्यूब से हम अर्न नहीं करते हैं, समझे आप, हमारी इनकम का साधन होता है हम पेड कोर्स को बेचते हैं। आप पेड कोर्स को जब हम दे रहे हैं, बच्चा पेड कोर्स में आ रहा है, एनरोल हो रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि उसको तो हो हल्ला से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट चाहिए और उसको कैसे लिखना है वो सब चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, तो डिटेल में उसको नॉलेज मिलनी चाहिए। जब अगर आपका ईडी बच्चे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ईडी इज़ ग्रेटर देन जीरो, जीरो से अबव है, पॉजिटिव, जीरो से अबव कुछ भी सब पॉजिटिव है, तो उस केस में आपके पास में क्या है, वो जो गुड्स हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर है, ये कंक्लूजन मैंने आपको दे दिया यहां पर, समझ में आया बच्चे? अब मैं आपको ये बता रहा था कि लाइक क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कमोडिटी एक्स है जिसकी डिमांड पे फोकस कर रहा है, कमोडिटी वाई है, ठीक है, तो आप इसका ईडी का फॉर्मूला आप लिखेंगे, ईडी इक्वल्स टू क्वांटिटी किसकी फोकस करेंगे, ओरिजिनल गुड्स की, तो परसेंटेज चेंज इन एक्स कमोडिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर है, तो इसलिए आपके पास में परसेंटेज चेंज इन एक्स तो कैसे निकलेगा, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा क्यू बाय क्यू ऑफ एक्स, क्लियर है, इनटू 100 अपॉन डेल्टा पी ऑफ वाई कमोडिटी अपॉन में प्राइस ऑफ वाई इनटू 100 सॉल्व करेंगे तो डेल्टा क्यू क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई इंटू प्राइस ऑफ वाई अपॉन में क्वांटिटी ऑफ एक्स, ये इसके ईडी का आपका अपना फॉर्मूला बन गया। क्लियर है बच्चे? तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके पास में वो सेम चीज़ें फॉर्मूले के फॉर्म में अब आपके पास में है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल सपोज एक्स एंड वाई आर द टू सब्सटीट्यूट गुड्स एंड द 10% डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ वाई कॉजेज द डिमांड फॉर द एक्स इज राइज बाय 15%, तो एक्स का जो डिमांड है 15 और वाई का प्राइस 10, तो 1.5 आ गया आपके पास में ईडी, तो ये क्या कह रहे हैं, इक्वल्स टू 1.5। गुड्स मे ऑल्सो बी रिलेटेड टू द ईच अदर एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, इन केस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ वन विल कॉजेज द डिमांड और फॉर द अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स टू इंक्रीज, दस इन द केस ऑफ द सब्सिट्यूट गुड्स प्राइस ऑफ द वन गुड्स एंड द डिमांड फॉर द अदर गुड्स मूव इन द सेम डायरेक्शन वेयर एज इन द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो बातें कर रहा था, जो लिख रहा था, समझा रहा था, ये सब आपको
पढ़ने में कंफर्टेबल हो जाए, इसलिए मैं इतनी सारी बातें कर रहा था बच्चे। क्लियर है? एक बार आप रीड कर लो, कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर इसका बता दिया मैंने आपको अकॉर्डिंग टू द पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड भी देख लो एक बार आप। आउटलेट मेथड भी डिस्कस हो चुका है बच्चे हमारा। एक आर्क मेथड बच गया आपका और एक क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एट द पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व, सब डिस्कस हो गया है, वो रिपीट हो गया गलती से। ये देख लो आप पॉइंट वाला भी, आउटलेट मेथड बता दिया आपको। ये दो क्वेश्चन है मेन और एक आर्क मेथड है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बीच में एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा और मैं वैसे भी आप लोगों की जो है कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो कुछ क्लास जो मैंने रिकॉर्ड की है उसको भी मैं फोल्डर में डाल दूंगा, उसकी डाउट क्लास एक रख लूँगा, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो क्योंकि ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ उसका मेरी और क्लास होती है, तो बड़े मेरे पास जैसे समय निकलता है मैं क्लास रिकॉर्ड करने लग जाता हूँ आप लोगों की। तो एक फोल्डर में कोई पर्टिकुलर जो पूरा चैप्टर आपका 1 से 2 चैप्टर वो मैं डाल दूंगा, उसमें जो आपके डाउट होंगे फिर डाउट क्लास रखूंगा, फिर आप लाइव आकर के उससे रिलेटेड आप अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा, उसमें हैंड रेज भी कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन आप अपनी स्पीड से कवर कर सकें क्योंकि इस समय आपके पास में टाइम है। एग्जाम टाइम पे अगर मैं 2 से 4 घंटा देने भी लग जाऊंगा तो उसमें आपके पास में और भी सब्जेक्ट का प्रेशर आएगा। अभी आप पे टाइम है तो इसलिए मैं रिकॉर्ड करके वो क्लासेस डाल रहा हूँ ताकि अभी आप जल्दी जल्दी अपने कोर्सेज को कवर कर सकें। अभी डिमांड वाला सिटी डिमांड में नेक्स्ट क्लासेस में पूरी कोशिश करूंगा कि उसको मैं वाइंड अप कर दूं, और उसके बाद फिर मैं आपका यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस करके वीडियोस मैं आपके इसमें डालूंगा, उसके डाउट क्लासेस रख लूंगा। तो आपके पास में यहाँ का पूरा प्रोसेस हो जाएगा एक इंट्रोडक्शन। क्लियर है बच्चे? तो ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आएंगे प्रोडक्शन फंक्शन कोस्ट जो कि एक मेन पोर्शन है आपके एग्जाम का, उस पर डिस्कस करेंगे हम। मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।